खाडीमा में जंगल से भटककर आबादी क्षेत्र में आई नीलगाय। आपको बता दें कि विगत कुछ समय से जंगली जानवरों के आबादी क्षेत्रों में आने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। वहीं आज भी खाडीमा शहर के आबादी क्षेत्र में नीलगाय आ गई। नीलगाय को देखते ही कुत्तों का झुंड उसके पीछे पड़ गया। स्थानीय जनता द्वारा कुत्तों से बमुश्किल नीलगाय को बचाया गया और खाडीमा वन विभाग को सूचित किया गया। स्थानीय जनता की सूचना पर वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद नीलगाय को पकड़ा। नीलगाय को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम द्वारा नीलगाय को ट्रैक्टर ट्राली में लादकर लोहिया हेड रोड स्थित खाडीमा वन रेंज के जंगलों में ले जाया गया, जहां वन विभाग द्वारा नीलगाय का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। वहीं खाडीमा वन रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी महेश चंद्र जोशी ने मीडिया को बताया कि आज उनके पास एक फोन आया था, एक नीलगाय जंगल से भटक कर आ गई है। सूचना मिलते ही तत्काल वन विभाग की टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया। वन विभाग की टीम द्वारा बमुश्किल नीलगाय को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित खाडीमा के जंगलों में छोड़ दिया गया। ये आज सुबह मुझे मेरे स्टाफ द्वारा सूचना दी गई कि प्रयास हॉस्पिटल खाडीमा के पीछे कहीं खेत में एक नीलगाय, करीब 6-7 साल की नीलगाय, वो कहीं आ गई है और वहाँ कहीं उलझ गई है खेतों में और उसको कुत्तों ने घेर रखा है। तो मैंने तुरंत अपना स्टाफ भेजा यहाँ से और उसके जाल वाल मंगवा के जाल भेज के उसको पकड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली से उसको सुरक्षित जंगल में रेस्क्यू कर दिया गया। देखिए, ये जंगली जानवर हैं और जंगल में तो हैं, ऐसा नहीं है, संख्या कम है जरूर है, लेकिन ये कहीं से भटकता हुआ आ गया हुआ कहीं, ऐसा एकदम से उसका कैलकुलेशन हम भी नहीं कर सकते कि कहाँ से आया है। लेकिन हमारे खाडीमा में है, सुरई में है, इधर जंगल है और यहीं कहीं से रात में कहीं आया हो, बिछड़ गया हो और कुत्तों ने उसके पीछे हमला करा तो उस वजह से भाग भूक के कहीं यहाँ खेतों में आ गया हो।